सो ये मेकअप लुक कहीं ना कहीं परफेक्ट है तीज के लिए। एंड अगर आपकी नई नई शादी हुई है एंड आप पहली बार तीज कर रहे हो तो इस मेकअप लुक को ज़रूर ट्राई कर सकते हो। बहुत ही इजी है इसको क्रिएट करना एंड बहुत ही मिनिमम एंड बेसिक प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है मैंने। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें अगर साड़ी एंड ज्वेलरी की तो दोनों ही मीशो से है। अगर आपको इसका कोड चाहिए तो आप कॉमेंट करना, मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगी। बाकी बहुत पहले से साड़ी ली हुई है, लाइक बहुत पुरानी है तो अभी मेरे पास लाइक थोड़ी ढूंढनी पड़ेगी, बट मैं डेफिनेटली आपको दे सकती हूँ। अगर आपको चाहिए तो मैं ढूंढ के दे दूँगी। बेस के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ओलिविया का मेकअप स्टिक एंड ये बहुत ही अमेजिंग काम करता है। अगर आपने मेरी वीडियोस पहले से देखी हैं तो आपको पता ही है कि मैं इस प्रोडक्ट की फ़ैन हूँ। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल एंड बहुत ही अमेजिंग वर्क करता है। साथ ही कॉन्टोरिंग एंड कंसीलिंग भी आज करने वाले हैं क्योंकि थोड़ा सा ट्रेडिशनल है। इसके लिए मैंने यूज़ किया है माई ग्लैम का ये पैलेट, जो कि लाइक इसके एक्चुअल प्राइस की बात करें तो ये लाइक 1500 के अराउंड मिलता है, बट जनरली अभी आपको ये लाइक 800 के अराउंड ईजिली मिल जाएगा क्योंकि नया प्रोडक्ट है तो सेल चलते रहती है। एंड अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, आपको फुल कवरेज नहीं मिलेगा बट स्टिल ये बहुत ही इजिली ब्लेंड होता है एंड आप इसको बिल्ड कर सकते हो। सो सारे तीन प्रोडक्ट्स को अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर लैक्मे के लूज़ पाउडर से मेरे फेस को फटाफट से सेट कर दूँगी इससे पहले कि क्रीज आ जाए। एंड ये बैकग्राउंड में मेरा मिट्टू है, जो कि पता ही उसे क्या हो जाता है, जब भी वीडियो वॉइस ओवर करो शूट करो तो मेरे मिट्टू एंड मिट्टी दोनों पागल हो जाते हैं, उनका कुछ तो हड़ताल शुरू हो जाता है। सो उसको प्लीज़ इग्नोर करना। एंड साथ ही ब्लश लगा रही हूँ मैं यहाँ पे, एसेंस का ब्लश है ये एंड बहुत ही ज़्यादा पुराना है, मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड अभी ये मुझे कहीं ना कहीं मेरा नेचुरल कलर लगने लगा है। आईब्रोज के लिए मैंने यूज़ किया था मिस क्लेयर का आईब्रो पेंसिल एंड सिंपल से लेकर अपने आईब्रोज को फिल कर लेना है। एंड आई शेडो को मैंने बहुत ही बेसिक रखा है। सो आईज़ के लिए सबसे पहले मैंने मेरे पूरे आईलिड्स पे एक न्यूट्रल कलर अप्लाई कर लिया, जिसको आपको दिखाया मैंने ऑलरेडी। एंड फिर मैं मेरी फिंगर की हेल्प से इनर कॉर्नर में गोल्डन कलर अप्लाई कर लूँगी, फिर ब्रश की हेल्प से उसको बाहर के साइड में ब्लेंड कर देंगे। एंड ये ट्रिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम आती है अगर आपकी आईज हुडेड है तो, और अगर आपके पास टाइम नहीं है अपनी आँखों पर ज़्यादा काम करने के लिए तो आप कुछ इस तरीके से आई शेडो लगा सकते हो एंड उसके बाद मस्कारा अप्लाई कर लो। आँखें इतनी ज़्यादा सुंदर लगेंगी, लगेगा ही नहीं कि इतनी जल्दी क्रिएट हुई हैं। उसके बाद सिंपली मैंने मेरे फेस को हाईलाइट किया, जो कि कंपलसरी है, गोल्डन ग्लो तो हमें चाहिए ही हमारे फेस पे, स्पेशली जब हम साड़ी पहन रहे हों एंड ज्वेलरी पहन रहे हों तो। उसके बाद मैंने अप्लाई किया एक पिंक कलर का लिपस्टिक एंड या कुछ इस तरीके से हमारा मेकअप जो है वो डन है। एंड अभी बारी आती है ज्वेलरी की, तो ये ज्वेलरी के साथ थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई थी। इसको मैंने मंगाया था मीशो से एंड इसका कमरबंद जो है वो मुझे टूटा हुआ रिसीव हुआ था, लाइक एक बार तो बिल्कुल ही अलग था एंड दूसरा चेन भी इसका निकला हुआ था तो मैंने फिक्स किया। एंड बाद में मैंने इस ज्वेलरी सेट को रिटर्न कर दिया है, बट मैंने सोचा कि चलो यार आ गया है तो एक मेकअप लुक तो क्रिएट कर ही लें। एंड इस टाइम पे जब मैंने पहना था तो मैंने इसको सेफ्टी पिन से फिक्स करके पीछे पहना हुआ है क्योंकि वो बार बार गिर जा रहा था। एंड या कुछ इस तरीके से हमारा मेकअप लुक जो वो कम्प्लीट होता है। आपको कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड या आई नो आई एम नॉट परफेक्ट, मेकअप मैं अभी सीख रही हूँ, तो आप बताओ कि ये मेकअप लुक कैसा लगा। एंड अगर कुछ भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। सो यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब।